परेड ग्राउंड पर सोमवार शाम उतरा ये हेलीकॉप्टर किसी नेता या अभिनेता का नहीं, वरन जिले के नवनियुक्त जिला अधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार को लेकर यहां आया। विगत दिनों 2 जून को हुए ऑपरेशन जवाहर बाग को लेकर विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे हमलों के कारण सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा के जिला अधिकारी राजेश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह को हटा दिया गया और उनके स्थान पर नियुक्त नए अधिकारियों को तत्काल कार्यभार संभालने के लिए हेलीकॉप्टर से यहां भेजा गया। लखनऊ से चले नवनियुक्त जिलाधिकारी श्री शुक्ला को लेकर उड़ा ये हेलीकॉप्टर पहले जालौन पहुंचा, जहां से मथुरा के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कुमार इसमें सवार हुए। शाम लगभग 6:10 पर मथुरा आए अनुभवी जिलाधिकारी और तेज तर्रार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नियो न्यूज और अन्य मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना अपनी प्राथमिकता बताया। आप लोग ज्यादा जानते होंगे, आपको पता पड़ गया हो, और अभी तो हम मथुरा के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। और जहाँ तक हम लोगों का है कि आप जालौन से आ रहे हैं और मैं अभी गवर्नमेंट में था, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव से पहले डीएम मुजफ्फरनगर डीएम श्रावस्ती था, अभी ट्रेनिंग में है एसएसटी की, तो उससे पहले मुजफ्फरनगर था। मैं आपका यहाँ पर स्थानांतरण हुआ है, कैसी अनुभूति है आपकी, क्या सोच लेकर के आए? नहीं देखिए, अनुभूति तो कोई इस ऐसा कोई विशेष अनुभूति नहीं है, हम लोगों की ये जिंदगी में चल रहा ही रहता है। और जहाँ तक यहाँ की स्थिति के बारे में, ये तो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, मगर हम लोग कोशिश करेंगे कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सुदृढ़ तरीके से बनाई रखी जाएगी। आप पहली प्रायोरिटी रहेगी, आप जब से जानेंगे तो हम बताएं कि यहाँ पर जो कुछ हुआ है नाम राय उसके प्रति यही है कि अच्छा हुआ है, गलत नहीं हुआ है। जो स्टेप प्रशासन ने लिया वो आमतौर पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लेते नहीं, बचते हैं, इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि तबादला हुआ, नहीं तो सस्पेंशन भी होती। अब ये तो इसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि ये तो सवाल है आपसे कि ये चर्चा आई है समाचार माध्यमों में कि आपको केवल तब तक के लिए नियुक्त किया गया जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती। ये मेरी जानकारी नहीं, तो आपकी जानकारी में है, मगर मेरी ऐसी जानकारी में हमें तो एक तबादला आदेश मिला और कहा गया तुरंत आप हेलीकॉप्टर से जाइए, हम आ गए यहाँ पे, मगर ये आपकी जानकारी है, ये मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। जवाहर कांड हमने अभी आपको पहले बताया, हमारी प्राथमिकता है कानून व्यवस्था की स्थिति को बहुत सुदृढ़ तरीके से लागू किया जाएगा। अभी हम लोग मुजफ्फरनगर में थे 1 साल से, वहाँ कार्रवाई हम लोगों ने ऐसी करी, बिल्कुल जिला शांत रहा। अब पहला ये हमारी प्रायोरिटी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति हम बहुत सख्ती से काम करेंगे। बात करने जवाब आपके बात है, ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, क्या आप मानते हैं कि जनपद की कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी? नहीं, मैं नहीं, ये तो आप लोग बता रहे थे कि क्या प्रायोरिटी, तो मैंने कहा कानून और व्यवस्था दोनों, मैंने कहा तो ये रूल ऑफ लॉ विल हैव टू बी एस्टेब्लिश, और जो स्थिति है ये तो आप लोग उससे भी ज्यादा जानते हैं, और बाकी अभी हम आकलन करेंगे स्थिति का, मगर हम लोग ये पूरा आपको आश्वस्त करते हैं और यहाँ के जनप्रवासियों कि इस प्रकार की ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। धन्यवाद। और एसएसपी साहब, आपसे हम यही जान लें कि अपने बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, शाजा बोल रहे हैं और आप जालौन से आ रहे हैं? अभी मैं जालौन से आ रहा हूँ, इससे पूर्व मैं शाजापुर और जौनपुर में था, एसटीएफ में भी था, और जैसा कि डीएम साहब ने कहा कि हम लोगों की प्रायोरिटी रहेगी कि रूल ऑफ लॉ जो है, कानून व्यवस्था बेहतर हो, जिस प्रकार से मथुरापुर में शांति ढंग से था, सभी लोग सकुशल रह रहे थे, हम उस चीज़ को फिर से बहाल करेंगे और जो फोर्स है उसका मनोबल अच्छा रखेंगे और आप लोगों के सहयोग से जनता के लिए काम किया जाएगा। खनन को लेकर उठती रही शाहजहाँपुर में और जालौन में भी, यहाँ पर भी होता है खनन, इसको हम लोग देख लेंगे, अगर जहाँ भी इलीगल चीजें हो रही होंगी, चाहे इलीगल कोई भी गतिविधि होगी, वो रोक ली जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मामला है उसके बाद आपको भेजा है, किस तरीके का मानना है आपका? जो देखिए परिस्थितियाँ हैं, अभी हम लोग उसको असेस करेंगे, उसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेंगे और फिर जैसे ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, विधि कार्रवाई होगी और सख्त और विधि कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बातचीत करने के बाद दोनों अधिकारी वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने श्री बांके बिहारी महाराज के दर्शन किए।
आपने सुना मथुरा के नवनियुक्त जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला और नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार जहां लखनऊ से स्थानांतरित होकर आए हैं, लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव पद से मथुरा के नए जिलाधिकारी, वहीं जालौन से स्थानांतरित होकर आए हैं मथुरा के नव नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपनी प्राथमिकता बताया। न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।